प्रभु, मासा का विश्वास बना कर रखना, बस कैसे भी करके मेरा एडमिशन उस MSI कॉलेज में करा दो। किसका नाम ढूंढ रही हैं आप? सुमन रवि कुमार परमार। अपने हाथ की अगल बगल की रेखाओं को कभी देखा है? तुम्हारे हाथ में 14 फेरों का योग है। थारे को MSI कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। इसका मतलब भाभी, अगर भाभी को ये बात पता चली तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। महादेव की जय। बहुत प्यारे लग रहे हो माँ। आप पास हो गई, फिर आपको आज से मेरे टिफिन के साथ आपका भी टिफिन बनाना पड़ेगा। ठीक है। अरे मैं तो भूल गया। क्या? रास्ते पे ना हमारा चकड़ा खराब हो गया और फिर एक अंकल आके मुझे उनकी क्रश वाले बाइक पे बैठा के इधर लेके आए। चलो मैं आपको ना अंकल से मिलाता हूँ। बहुत सारा होमवर्क दिया ना मासा ने, मैं वो कर लेती हूँ। आप चलिए वहाँ बैठिए, आपकी दुल्हनिया तुलसी मैया आती ही होगी। संजना, इसे ले आना मंडप में, मैं बाकी का काम देखते हैं। ठीक है, ठीक है, लाइए मैं करती हूँ। अंतरा, वीर को देखा, दूल्हा बनकर कितना चोखा लग रहा है ना। सब लोग बहुत खुश है, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे मासा चाहती थी। MSI जैसे बड़े कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया, और क्या चाहिए। अब तुलसी मैया से यही कहना है कि हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे, है ना। अरे सुमन, जल्दी आ, बारातियों को नाश्ता पानी भी तो देना है। मैं बस ठीक कर आई हूं। भगवान जी, मैं ये सुमन भाभी को बात कैसे बताऊं? अब आप ही मेरी मदद कीजिए। चलो ना यार, जिद को गाइस, रिलैक्स यार। संजू बुआ, वो लोग जा रहे हैं, उनको रोको। अब मिश्रा जी, वो उन लड़कों को रोकिए ना। हाँ, रोकता हूँ। आपने बच्चों को यहाँ पहुँचाकर बहुत मदद की। जब आप बच्चों की मदद करने से नहीं चुके तो हम आपकी खातिरदारी में कैसे चुक सकते हैं? नहीं नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। चलो खेलने। हाँ हाँ चलो। अबे ओ, क्या कर रहा है? जाना नहीं है, सरप्राइज पार्टी भूल गया तू। अच्छा ओके ओके, रिलैक्स। भगवान जी, आप एक काम कीजिए, आप वहां जाके खेलिए, मैं आपको थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ। ओके। इस बच्चे की विवाह में क्या आप शामिल नहीं होंगे? You mean to say child marriage? मतलब यहाँ पर बच्चों का विवाह हो रहा है? Seriously? नहीं नहीं नहीं, ये तुलसी विवाह हो रहा है। ये बालक जो है विष्णु बना हुआ है, यानी तुलसी जी का पति। आप लोग मंडप की तरफ आ जाइए। इसलिए यार, वो तू दिल्ली से बाइक चला के इंदौर इसलिए आया तू? नहीं यार देखो, मैं एक मिनट, देखो मैं वो सरप्राइज बिल्कुल नहीं भूला और उसी की वजह से मैं दिल्ली से इंदौर तक आया हूँ। बट टू बी ऑनेस्ट यार, मेरे इस गली से जाने का मन नहीं कर। पता नहीं यार, कुछ दिल सा लग गया। वो देख कितना एंजॉय कर रहे हैं वो लोग। चलो चलो। अच्छा एक मिनट, भाई इस मोमेंट को कैप्चर करना तो बनता है। बिल्कुल छोटे, आज तक संजू सबके दिल में आती रही, पर आज ये हैंडसम अपनी बाइक के साथ सीधे संजू के दिल में क्रैश कर गया। है कौन ये? अरे अरे सोनम, तू कहाँ जा रही है? बढ़िया अम्मा, मैं ना वो तेरा दुपट्टा तो सही कर। अम्मा ये आजकल का फैशन है, आप नहीं समझो। चल चल अंदर चल, तो तेरा दुपट्टा सही करते रहूंगी। अरे सुमन बेटी, हमारे भगवान के साथ आए हुए मेहमानों की भी खातिरदारी करो। जी पंडित जी।
फिर क्या स्मार्ट लग रहे हैं। भाई भाई मॉम का फोन। भाई मैं क्या बात करूं भाई, तुम संभाल ले यार, तेरा फोन है तू बात कर। भाई मैं नहीं कर रहा, फोन कर के ज्योति किशन रघु। जी मैम। रणवीर का फोन आया था? नहीं मैम। आएगा भी कैसे? सॉरी मैम। इस घर में केयरलेस लोगों के लिए कोई जगह नहीं। यू आर फायर्ड। एक मिनट। कोई कहीं नहीं जाएगा, जाओ जाकर अपना अपना काम करो सब। तुमने मेरी बात को काटा। घर चलाने की जिम्मेदारी मेरी है आकाश। बस करो सिंदर। सिंदर मैं तो चुप हो जाऊंगा, पर अगर तुम ऐसे ही परेशान रहकर सबको अपनी जिंदगी से दूर कर दोगी तो शायद तुम अकेली रह जाओगी। रिलैक्स। हाँ मैं परेशान हूं, मेरा बेटा मुझे बिना बताए कहीं चला गया, मेरा फोन तक नहीं उठा रहा। क्या वो छोटे? यार भाई मैं सोच रहा हूँ कि मॉम को फोन कर दूँ। आई मीन फालतू में परेशान हो रही होंगी तो। नो वे भाई, तूने बता देना छोटी माँ को तो ये प्लान बस प्लान बन के रह जाएगा। यार तूने कुछ बोलना था ना वो, कि तू अपने MBA के एडमिशन के चक्कर में अपने दोस्तों के साथ गोवा गया, वो बहाना मारता ना यार। गाइस तुम ये कैसे बोल गए कि मैं झूठ नहीं बोलता? तो बोलना, सच बोलना यार, फोन करना उनको। करना चाहिए ना। कर कर फोन कर। अरे जी लाइट को भी आज ही जाना था। उफ़ लगता है पूरे मोहल्ले की पावर्स चली गई है। एक आदमी मेकअप्स कर लिया, कोई देख तो पाएगा नहीं। जाके देखो जे मुआ बिजली का फूस तो ना उठ गया। मतलब शादी में म्यूजिक नहीं चलेगा, धूम धड़ाका नहीं होएगा? अरे भगवान जी सब कुछ होगा, आप बस देखते जाइए। चला गया ये वीर। चल चल मेरे यारा, ए नसीबों का इशारा। चल चल मेरे यारा, ये रब को हवारा। एक विवाह। चलिए इस तुलसी विवाह में थोड़ी सी जान डाल, इसलिए आप सब लोग अपनी गाड़ी की लाइटें और अपने फोन की लाइटें ऑन कीजिए। चलिए कुछ मस्ती कर।
ये। बोलो विष्णु भगवान की जय। ठीक है बात हुई भगवान जी, इम्तिहान लेने का और कोई तरीका नहीं मिला आपको? जो ये बॉम्ब थमा दिया मेरे हाथ में। सॉरी सॉरी, मैं ना आपको डांट नहीं रही थी, मैं तो बस आपसे पूछ रही हूँ कि इस लेटर का मैं क्या करूँ, जाकर सबको इसके बारे में बता दूँ या नहीं? मेरी मदद करो ना भगवान जी। अब आप पूछेंगे कि कैसे। ठीक है, मेरे हाथ में ये दो फूल हैं। अगर बाई तरफ का फूल आपने गिराया तो मैं समझूंगी कि ये बात मुझे किसी को नहीं बतानी चाहिए, और अगर आपने दाई तरफ का फूल गिराया तो मैं ये बात जाकर सबको बता दूंगी। ठीक है, अब आप ना मेरी जल्दी से बस मदद कर दीजिए। थैंक यू भगवान जी, आपने तो इतनी जल्दी मेरी मुसीबत का हल भी निकाल दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे सुनिए, हेलो, वो फूल भगवान जी ने नहीं, आपने। जी जी, ये सब क्या कर रही हैं आप? दिख नहीं रहा, सेल्फीज ले रही हूँ। छोड़िए ये सब, पता नहीं किसकी बाइक है ये, आप भी ना किसी की भी बाइक पे बैठ जाते हो। सुपरमैन्स की, और बहुत जल्दी ये इस सुपरवुमन्स की होने वाली है। जी जी, आप भी ना ये सब छोड़िए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो आ गया, वो आ गया। कौन जी जी? अरे वही बाइक्स वाला सुपरमैन्स, मेरा मेकअप तो ठीक है ना? हाँ। तो अभी रुक। कितना लकी है वो रुमाल। ये देखिए, ये क्या है? मेरी आंटी को किसी अंकल ने लव लेटर्स लिखा। जी जी, आप कभी तो सीरियस हो जाया कीजिए। अच्छा पढ़िए इसको। स्कॉलरशिप्स, रिजेक्शंस लेटर, 3 दिन में 2 लाख रुपए जमा कराने। OMGs. जैसे इस दिए ने हमारे पूरे आंगन को जगमगा दिया है, वैसे ही कल थारा MBA हमारे पूरे घर का अंधकार मिटा देगा। लावती जी, सिंदूरा के घर से शगुन का थाल कब आएगा? ओहो, आप तो टेंशन ना लो, सिंदू रानी ने कह दिया है सो कह दिया, देखना एन मुहूर्त से पहले सब आ जाएगा। तुम तो जाके बरातियों की खातिरदारी करो। मासा, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे थारा चेहरा तो ऐसे लटका हुआ है जैसे विष्णु भगवान ने एन शादी के वक्त पे दान दहेज मांग लिया हो। कुछ ऐसा ही समझो मासा। ये लिखा है सर, क्या हुआ मासा? भीतर चल। संजना, क्या हुआ है? क्या बात है मासा? बंद कर दरवाजा, सुना नहीं, बंद कर। बात क्या है मासा? मत कह मारे को मासा, गलती मारी है जो मैंने थारे को बहू नहीं बेटी नहीं
इसकी जगह देनी चाहिए। मारे स्वर्गवासी बेटे का इसकी सारी जिम्मेदारी ये घर थारे को सौंपना चाह। मन के पता था तू मारी उम्मीदों का बोझ ना उठा पावेगी। मारे सपने चूर चूर हो गए। पढ़ पढ़। थारे को स्कॉलरशिप ना मिली। थारे को एडमिशन लेने के लिए 2 लाख रुपया भरने पड़ेंगे कॉलेज में। मासाब मुझे माफ कर दीजिए। तू माफी ना मांग। माफी तो मारे को मांगनी चाहिए। अरे मैंने इतना बड़ा बोझ तेरे नाजुक से कंधों पे धर दी और तुम दोनों क्या मुंह में दही जमा कर बैठी थी? मासाब ना ना मैं तो अनपढ़ है पर तुम तो याद दिला सकती थी कि पढ़ने लिखने के साथ साथ आराम भी करना उतना ही जरूरी होवे। और ये बेचारी घर का काम पार्लर चला के खा करती पड़े। जितनी गलती मारी है उतनी गलती तुम दोनों की भी है। नहीं मासा इसमें दोनों की गलती नहीं है। मैंने ही पढ़ाई नहीं की तभी तो स्कॉलरशिप ना ला पाई। सारा कसूर मेरा है। ना 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 तेरा कसूर नहीं इनका भी कसूर नहीं है। कसूर तो मेरा है जो मैंने थारे को पढ़ाने की सोची। नहीं मासा आप तो बहुत अच्छे हैं। आपने हमेशा मुझे सास बनकर नहीं बल्कि एक माँ बनकर प्यार किया। मैं भी एमबीए करना चाहती हूँ पर स्कॉलरशिप ना ला पाई। यही तो रोना है छोरी यही रोना है कि जो होना था वो नहीं हुआ। एमबीए नहीं हुआ उसके साथ जुड़े मारे सारे सपने टूट गए। थारे को बड़ी अफसरायन बनाने का सपना मारे पोते को अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने का सपना इन 2 छोरियों का अच्छे घर में ब्याहने का सपना मैंने सोचा था खुशखबरी आएगी तुलसी विवाह का खर्चा भी रख लिया सब खत्म सब खत्म। अब बचा के ब्यूटी पार्लर अरे टके की कमाई और खर्चा जानो सब कुछ खत्म। मासा मासा आप ऐसा सब कुछ क्यों बोल रहे हो? मासा अगर आप ऐसे हार मान लेगी तो हम सबको कौन संभालेगा? माफ कर दो आज के बाद कभी ऐसी बातें नहीं करूंगी। अभी आई मैं आगे। जो तू सच में एमबीए करना चाहे ना तो जे ले जेएफडी के कागज हैं जो मैंने अंतरा और संजना की शादी के लिए रखे थे। जो फिर भी थारे फीस के पैसे कम पड़े ना तो कल ही साहूकार के पास जाके इस घर को गिरवी रखवा दूंगी। ये घर हम सब के लिए हमारा आखिरी सहारा है। ऐसे कुछ नहीं होने दूंगी कभी नहीं। मैं एमबीए जरूर करूंगी अपने बलबूते पे करूंगी। छोरी इतने सालों में बस मैंने ये घर और एफडी जमा किए और तू 3 दिन में 2 लाख कहां से लावेगी? चे तो मैं भी नहीं जानती मासा पर मुझे यकीन है तुलसी मैया मुझे जरूर कोई रास्ता दिखाएगी। अरे कलावती जीजी सुमन कहां चले गए सबके सब? मासा आप अंतरा और संजना को लेकर ब्याह के मंडप में जाइए मैं आती हूं। Thank you.
आपने हमेशा मुझे पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया रवि, और आपके बाद मासा ने। हमारा सपना तो अब जाके सच होगा लल्ली, भारी जीत हुई है लल्ली, थारे को MSI कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, थारे को पढ़ने बड़ी अफसराइन बनने से कोई ना रोक सके। आप कहते थे कि हम जब भी ठोकर खाएंगे हमारा परिवार हमेशा हमारा साथ देता है, और आज मेरा परिवार साथ है। और इनकी खुशियों के लिए मैं ये MBA जरूर करूंगी, हर हाल में करूंगी।